डिनर आ चुका है। यही मेहरता रोड से ट्रेन मेहरता रोड पे खड़ी है। ये देखिए ट्रैक पे पानी भर गया, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन आए लगभग 5 ही मिनट रुकी है, उसके बाद यार्ड में लगने जा रही है। जी हाँ, सही पकड़ा आप लोगों ने। मैं हूँ अभी फिलहाल जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम एक और नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहचान रहे हो दोस्तों, 2481 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आज हम जर्नी करने वाले हैं। तो एक सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन होने वाली है। ट्रेन ICF रेक में, तो जाहिर सी बात है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी एवरेज स्पीड है। और पेंट्री कार तो है नहीं ट्रेन में, तो मैंने ऑलरेडी मेहरता रोड में अपना ऑनलाइन डिनर ऑर्डर कर दिया है। वेज बिरयानी बोल सकते हैं, प्याज है और बाकी ओवरनाइट ट्रेन है। ट्रेन अर्ली मॉर्निंग हमें 5:30 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचा देगी। जोधपुर से निकलती है 6:45 ओरिजिनल सीट टाइमिंग का जरूर से याद रखिएगा। लगभग 8:15 बजे करीब मंडोर एक्सप्रेस, तो उसका मेरा प्लान था लेकिन उसमें जो टिकट अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण मुझे इसमें टिकट लेना पड़ा। जाती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ये जाएगी दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। और दोस्तों 3 नंबर पे लग रही है सूर्य नगरी एक्सप्रेस, जो कि बांद्रा टर्मिनस जाएगी जोधपुर से, और अपनी ट्रेन यहाँ लगी हुई है 2 नंबर पे। दोस्तों आज स्लीपर क्लास में जर्नी होने वाला है। ये अपना कोच S3। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं साफ सफाई है कि नहीं ट्रेन में। आप लाइट है ही नहीं अभी तो। ट्रेन में ना WDP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है, डीजल लोकोमोटिव, और यही लोकोमोटिव जो दिल्ली सराय रोहिल्ला था पूरा लेकर जाए। दोस्तों ये है आज का अपना बर्थ, 48 साइड अपर बर्थ। चलिए दोस्तों, निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी के साथ ट्रेन डिपार्ट की है जोधपुर से। जोधपुर से ट्रेन निकल चुकी है और भाई स्पीड में डिपार्चर लिया है ट्रेन ने, और लेकिन 4 मिनट डिले छोड़ी है। निर्धारित समय से कोई बात नहीं, इतना चलता है। Thank you.
चुका अपने ओरिजिनल सीट पे, मैंने साइड अपर पे, और नीचे भाई आर ए सी वाले लोग हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दो लोग बैठे हैं ऑलरेडी साइड साइड डोर में, डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे रेस्ट करते खड़े खड़े पैर दर्द हो गया हाल सब में, डोर पे खड़े खड़े पैर दर्द हो गए भाई। अपना डिनर भी आने वाला है मेरे तरह पे, डिनर आएगा वो भी दिखाएंगे क्या है क्या स्पेशल थाली है। ये देखिए ये है मेरा, ये ट्रेन नंबर है, ये कोच है और बर्थ, और ये थाली का नेम है प्रीति स्पेशल थाली, और ये प्राइस इसका 201 रुपये। तो ये है अपना स्पेशल थाली में, ये वेज बिरयानी बोल सकते हैं, प्याज है, ये स्वीट है, रसगुल्ला है शायद, हाँ रसगुल्ला है, और ये कुछ मिक्स वेज है, और ये क्या है भाई, ये दाल है शायद, हाँ ये दाल है, और ये रायता, और ये अपना मटर पनीर का सब्जी नॉर्मल, ये और ये टिशू है स्पेशल टिशू पेपर, और यहाँ पर रोटी भी है प्लस पराठा भी है, दोनों दिया हुआ है, रोटी भी है और पराठा भी है, और यही 201 रुपये का थाली है। इसको मैं फिनिश करता हूँ फिर आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा है खाना। ये दोस्तों अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में, ट्रेन का कितना गंदा मिरर है देख रहे हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा, चेहरा ही नहीं दिख रहा अपना इतना गंदा, बाकी वॉशरूम तो ठीक ठाक है, डस्टबिन भी है लेकिन मिरर साफ नहीं है। दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 9:20, खाना हमने खा चुका है डिनर, और ट्रेन जो है रतनगढ़ चूरू लोहारू और रेवाड़ी अलवर, मतलब अलवर रेवाड़ी ये गुड़गांव होते हुए हमें दिल्ली से आया रोहिल्ला सुबह सुबह 5 बजे के आसपास, 5:20 पे शायद इसका अराइवल टाइम है, उस समय पहुंचाएगी। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15, अभी चलते अपने सीट पे, क्योंकि भाई गेट पे ना पूरा भीड़ लगा हुआ है, वेटिंग लिस्ट वाले लोग का, पैसेंजर का पूरा भीड़ लगा हुआ है, ट्रेन पूरी गर्दी में जा रही है, तो गेट पर भी खड़ा नहीं रहने मिल रहा है, और सोते हैं क्योंकि ये भाई अर्ली मॉर्निंग में उठना है तो नींद भी ज़रूरी है। और अभी हमने रेन कोई रेलवे स्टेशन है मेड़ता रोड के बाद, मेड़ता रोड पे अपना डिनर आया था, फिर रेन आया, रेन क्रॉस हो गया, अभी मिलते हैं आपसे कल सुबह, देखते हैं रात में भी कहीं अगर नींद खुलता तो फिर रात में मिलेंगे, तो फिर कल सुबह डेस्टिनेशन में मिलेंगे। तो सर डिनर हमने कर लिया, डिनर बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं है सब कुछ ही बढ़िया, लेकिन हाँ चावल में हल्दी ज़्यादा था, वेज बिरयानी में हल्दी का स्वाद ज़्यादा आ रहा था, मतलब हल्दी का मात्रा उसमें ज़्यादा था, तो कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ सही था। और भैया ने बोला है भैया रेटिंग देना खाकर, तो रेटिंग ज़रूर दूंगा खाने के हिसाब से, लेकिन चावल में जो बोला हल्दी बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन खैर कोई नहीं, बाकी और भी वैरायटी सब कुछ सही थी अपनी जगह पर, पनीर की सब्ज़ी और भी बढ़िया थी। रात को 9:20 अभी आ गया हूँ अपने साइड अपर बर्थ में, ट्रेन में गर्दी बहुत है क्योंकि गेट के पास ना वेटिंग लिस्ट पैसेंजर की भीड़ लगी है पूरी, खड़ा होने का भी जगह नहीं है, चलिए चलते थोड़ा सोते आराम करते हैं, क्योंकि भाई कल भी जर्नी करनी है दिल्ली पहुँच कर, तो कल एक अलग कंटेंट बनेगा, तो अभी आराम करेंगे सोएंगे तब जाके कल कंटेंट बना पाएंगे, ठीक है आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। फाइनली उतर गया जोधपुर, और ये ट्रेन ना यार्ड में लगने जा रही है, बहुत जल्दी जा रही है यार, ट्रेन आए लगभग 5 ही मिनट रुकी है उसके बाद यार्ड में लगने जा रही है, खैर कोई नहीं, वैसे सब पैसेंजर उतर गए हैं ट्रेन से, इधर ट्रेन 5:30 आई है 10 मिनट में, ट्रेन जा रही है यार्ड में। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से ट्रेन जो चली गई यार्ड पे लगने के लिए, बहुत ही जल्दी चली गई, हालांकि ट्रेन आती है तो कुछ देर रुकती है, खैर कोई नहीं, और ट्रेन आई है बिल्कुल ऑन टाइम, अपने निर्धारित समय से 10 मिनट डिले कह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेन जो है पंचुअलिटी है ट्रेन में, बहुत ही ऑन टाइम चलती है ट्रेन, ट्रेन में साइड पेंट्री भी है, मैं बताना भूल गया था, साइड पेंट्री आपको वेंडर्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि स्टेशन से खाना को बोर्ड करते हैं, बाकी ओवरऑल जर्नी बहुत ही बढ़िया रहा, ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है, तो इसमें 5 बजे या 5:30 बजे तक ट्रेन जो है पहुंचा देती है, डेली 5 बजे तक पहुंचा देती है, आज जो है डिले हुई है आधे घंटे, पैसेंजर कुछ बोल रहे थे जो, क्योंकि डेली चलती है ट्रेन। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 ही प्लेटफॉर्म है अभी फिलहाल सर्विस में, लेकिन 5 प्लेटफॉर्म भी
अभी ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट भी होती है और यहाँ से ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट भी होती है, यानी कि 34 ट्रेनें आके यहाँ पे ऑफिशियली हॉल्ट होती है, फिर भी 5 प्लेटफॉर्म में ट्रेन स्टेशन जो है मैनेजमेंट कर रखा है। अपनी ट्रेन देखिए दोबारा यहाँ पे 5 नंबर पे शंट हो रही है, 4 नंबर से हट के 5 नंबर पे, 4 नंबर पे बीकानेर एक्सप्रेस आ रही है जो कि दिल्ली से रोहिल्ला को टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमारी ट्रेन यहाँ पर लगाई जा रही है, 5 नंबर पर शंट की जा रही है, दिख रहा होगा। बाकी दिल्ली से रोहिल्ला रेलवे स्टेशन देख ही सकते हैं, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, बाकी का वहाँ 3 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर ट्रेन के पीछे। अपनी ट्रेन को यहाँ शंट किया जा रहा है, जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, ट्रेन के साथ साथ हम भी चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा। इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।